एनआरएलएम द्वारा जारी ब्लॉक में भेजे गए पत्र पर सीआरपी जो कि बीडीसी सदस्य है ने ऐतराज जताया है। बीडीसी सदस्य राजरानी ने कहा कि मैं एनआरएलएम से ये पूछना चाहती हूं कि उन्होंने 4 सितंबर को एक पत्र नूरपुर ब्लॉक में भेजा जिसमें ये कहा गया कि जो प्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं वे सीआरपी नहीं रह सकते हैं। राजरानी ने कहा कि मैं डायरेक्टर सीआरएनएलआरएम से ये पूछना चाहती हूं कि जो पत्र अब भेजा गया है वो पत्र आपने चुनाव से पहले क्यों नहीं भेजा था, आपको ये गाइडलाइंस पहले देनी चाहिए थी ताकि हम सोच समझ कर चुनाव लड़ते। दूसरी बात यह है कि अब चुनाव जीत चुके हैं, इसमें एनआरएलएम होते हुए भी हमने लोगों की सेवा की है और हमारी पहचान है इसी से, इसी वजह से चुनाव जीते हैं क्योंकि हमने इस पद पर रहकर लोगों का काम करवाया है और लोगों ने हमारी सेवाओं को देखते हुए हमें चुना है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि एनआरएलएम की जो भी गाइडलाइंस हैं वो सारे हिमाचल के ब्लॉक कार्यालयों में भेजी जाए और जो सीआरपी दूसरे विभागों में सेवाएं दे रहे हैं क्या उन पर ये बात लागू होती है या नहीं, इस बात को स्पष्ट किया जाए या फिर ये सिर्फ हम पर लागू हो रही है। मैं राजरानी नूरपुर ब्लॉक से बोल रही हूँ। मैं एसआरएलएम से ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने सितंबर की 4 तारीख को हमारे नूरपुर ब्लॉक में एक लेटर भेजा है, उस लेटर में आप लोगों ने ये मेंशन किया है कि जो इलेक्टेड पर्सन है वो अब सीआरपी नहीं रह सकते, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ डायरेक्टर साहब से, पूरे स्टाफ से एनआरएलएम के, कि अगर ऐसा आपने अभी लेटर भेजा है तो आपने हमें ये जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन से पहले ऐसी गाइडलाइन क्यों नहीं दी गई, आपको ये पहले गाइडलाइन देनी चाहिए थी कि ताकि हम सोच समझकर इलेक्शन लड़ते। और दूसरी बात, अब हम इलेक्ट हो गए हैं तो इलेक्ट भी हुए हैं तो वो हमारी एक एनआरएलएम से पहचान थी, लोगों ने हमें प्यार दिया, हमारा उन्होंने कुछ काम देखा, हमने उनके काम करवाए, जब हमारी आप पहचान हो गई है तो अब हम इलेक्ट भी हो गए उनकी बदौलत, तो अब आप हमें बोल रही हो कि जहाँ सीआरपी रहो जहाँ फिर वो रहो, तो मेरा जी आपसे एक सवाल है कि आपने हमें जो पहले लेटर क्यों नहीं भेजा, जो भी एनआरएलएम की गाइडलाइन है वो आपको हमें पहले ही बतानी चाहिए थी। दूसरी बात, रिजल्ट को आए 8 महीने हो गए हैं, जनवरी की शायद 24-25 को इलेक्शन हो गए थे, तो 8 महीने के बाद आपने ऐसा क्यों किया, आपने फौरन ही फरवरी में जो लेटर क्यों नहीं भेजा, इसी दौरान हमारे कितने राउंड लगे, हमारी ड्यूटी थी तब हमें कॉल आ रहे हैं कि आप ड्यूटी नहीं जा सकते, तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमें एनआरएलएम की जो भी गाइडलाइन है वो ऑल हिमाचल सभी ब्लॉकों में जानी चाहिए, जो भी इलेक्टेड पर्सन है वो आप हमें फिर वो टाइम दो कि हम उसमें से चूज करें कि हम सीआरपी रहें या इलेक्टेड पर्सन रहें। और एक बात और कहना चाहूंगी कि और अगर कुछ सीआरपी हमारी अदर डिपार्टमेंट से हैं, जैसे कुछ एग्रीकल्चर में हैं जहाँ अभी बैंक से की लगी हैं, जहाँ कुछ वेटनरी की कुछ लगी हैं जो अभी शायद हिमाचल में 8 ब्लॉकों में आ रही हैं, तो क्या फिर वो रह सकती हैं, वो उनके लिए भी यही गाइडलाइन है कि वो उस पोस्ट में रहें या फिर सीआरपी रहें, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें जल्दी से जल्दी एनआरएलएम की जो भी गाइडलाइन है हर ब्लॉक में वो भेजी जाए। वहीं इस मुद्दे पर रीता पठानी ने कहा कि डीआरडीओ शिमला से एक पत्र निकाला गया है उसमें उनके हिसाब से उनका नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में ट्रेनिंग पर जाना था, जो पत्र शिमला से निकाला गया था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पंचायत पद पर रहने वाला इसमें काम नहीं कर सकता है, ये जरूर लिखा है कि जो राजनीति करता है वो कार्य नहीं कर सकता है। मेरा छोटी सी बात है, मेरा एसआरएलएम शिमला से निवेदन है कि जो लेटर इन्होंने ब्लॉक में एकदम जो इशू किया है उस लेटर के अनुसार हमें जो हमारी जो ट्रेनिंग के लिए डीआरडी धर्मशाला में भेजा जाना था उसमें मेरा नाम था,
तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब मैंने ये लेटर पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम क्यों काटा गया, लेकिन जब हमने ये लेटर पढ़ा तो इसमें कहीं भी, मेरे पढ़ने के अनुसार इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो BDC या पदाधिकारी, जो भी पंचायत के पदाधिकारी हैं, वो इन ड्यूटियों को नहीं कर सकते या CRP के पद में नहीं रह सकते। इसमें ये लिखा गया है कि जो राजनीति पार्टी में इन्वॉल्व है, वो जो सदस्य है, वो CRP के पद पे कहीं भी ट्रेनिंग नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्रुप के सदस्य रह सकते हैं। तो मेरा इनसे, मेरा DRD शिमला से अनुरोध है कि इस लेटर का मुझे पूरी पूरी जानकारी दी जाए, और विद नेम कि हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। यदि नहीं रह सकते हैं तो उसका कारण हमें बताया जाए। धन्यवाद।